चतरा पहुंचे पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक दुबे, मीडिया को किया संबोधित, कहा जिले भर 1,500 से 2,000 शिक्षकों को सम्मानित किए जाएंगे। चतरा जिले में शिक्षक सम्मान समारोह को लेकर पासवा के पदाधिकारियों के साथ चतरा के सर्किट हाउस में कोर कमेटी की बैठक कर तैयारियों की जायजा ली। कहा 14 अक्टूबर दिन शनिवार को पासवा के द्वारा चतरा कॉलेज चतरा के मल्टीपर्पस हॉल में जिले भर 1,500 से 2,000 शिक्षकों को सम्मानित किए जाएंगे। इसमें सिर्फ निजी विद्यालयों के शिक्षक ही नहीं अपितु सरकारी विद्यालयों के जो शिक्षक शामिल होंगे तो उन्हें भी सम्मानित किए जाएंगे। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा इससे पूर्व में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित कर रांची में 11 सितंबर को 5,000 शिक्षकों को सम्मानित किए जा चुके हैं। अब तक की जानकारी के अनुसार चतरा में 1,500 से अधिक शिक्षकों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। जिनकी अब तक नहीं हुई है उनका 14 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे से ऑन स्पॉट भी रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष आलोक दुबे ने कहा समारोह का उद्घाटन राज्यसभा सांसद धीरज साहू करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि झारखंड के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव होंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि स्थानीय विधायक व राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता उपस्थित होंगे। आगे उन्होंने कहा कि छोटे छोटे व्यवसायियों से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे निजी विद्यालयों में पढ़ाई करते हैं, अतः शिक्षा विभाग के अधिकारियों से अनुरोध करते हैं कि आप भी निजी विद्यालयों को सहयोग करें, उन्हें परेशान ना करें। आलोक दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा निजी विद्यालयों के शिक्षकों के अहम योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। 14 अक्टूबर को चतरा में होने वाले शिक्षक सम्मान समारोह ऐतिहासिक होगा। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा का जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह चतरा कॉलेज चतरा के मल्टीपर्पस हॉल में आगामी 14 अक्टूबर को होने जा रहा है। 11 सितंबर को रांची में हम लोगों ने राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित कर 5,000 से अधिक शिक्षकों को सम्मानित किया था। अभी हम लोगों ने एक सप्ताह पूर्व हजारीबाग में भी सम्मान समारोह किया है और हर जिलों में हम शिक्षकों को सम्मानित कर रहे हैं जो निजी विद्यालय के शिक्षक हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सरकारी विद्यालयों को छोड़ रहे हैं, हम उन्हें भी आमंत्रित कर रहे हैं। 14 अक्टूबर को मल्टीपर्पस हॉल चतरा कॉलेज चतरा सुबह 10:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होंगे। अब तक जो जानकारी मिली है 1,500 शिक्षकों ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन 14 तारीख को सुबह 8:30 बजे से 10 बजे तक होंगे। जिले भर से सर कितने विद्यालयों के शिक्षकों को सम्मानित किए जाएंगे? जी जिले भर से कितने विद्यालय के शिक्षक सम्मानित किए? 2,000 से अधिक शिक्षकों को सम्मानित करने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। माननीय सांसद धीरज प्रसाद साहू जी समारोह का उद्घाटन करेंगे, माननीय मंत्री श्रम सत्यानंद भोक्ता जी, माननीय मंत्री वित्त डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी मुख्य अतिथि होंगे, पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद समाइल अहमद जी मुख्य वक्ता होंगे। इसके अतिरिक्त कई डिग्निटीज भी इसमें शामिल होंगे। जो उत्कृष्ट प्राचार्य होंगे प्रिंसिपल्स एंड डायरेक्टर्स उनको शिक्षक गौरव सम्मान समारोह से भी सम्मानित किया जाएगा। निजी विद्यालयों के शिक्षकों के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता है। एजुकेशन प्राइवेट स्कूल ही देते हैं। सरकार से हमारा विशेष अनुरोध होता है कि निजी विद्यालयों के प्रति एक सकारात्मक सोच रहनी चाहिए। हमारी यह भी अनुरोध है सरकार के पदाधिकारियों से, जो विशेषकर जो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी उनको भी चाहिए कि निजी विद्यालयों को सहयोग करें। सबके बच्चे पढ़ते हैं निजी स्कूल में, जितने सरकार के अधिकारी हैं, जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने लोग हैं, सबके बच्चे पढ़ते हैं सरकारी प्राइवेट स्कूल में, और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल के शिक्षक कम तनख्वाह पर आपके बच्चों को शिक्षित करते हैं। और कई बार मुझे सुनने में आता है चतरा में भी कई जिलों में भी कि जिला शिक्षा के अधिकारी
निजी विद्यालयों को परेशान करते हैं। तो मेरा स्पष्ट ये उनको अनुरोध भी होगा और बात की गंभीरता को समझाने की भी जरूरत है कि उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। अब तक झारखंड पासवा ने 40,000 बच्चों को सम्मानित कर दिया है और लगभग 15,000 शिक्षकों को सम्मानित किया है। 14 अक्टूबर को चतरा जिला का सम्मान समारोह न सिर्फ ऐतिहासिक होगा बल्कि शैक्षणिक कार्य में लगे उन शिक्षकों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर होगा जिन्होंने बड़ी ही कोरोना काल से में उनकी उपयोगिता लोगों को देखने को मिली। सरकारी स्कूलों में होते हैं सम्मान समारोह, लेकिन कोई ऐसी हुकूमत नहीं आई जिसने निजी विद्यालय के शिक्षकों को यह महसूस किया हो कि इनका भी कंट्रीब्यूशन समाज में उतना ही है जितना सरकारी विद्यालयों का है। इसलिए पासवा देश भर में यह आयोजन करती है, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में 2,00,000 से ज़्यादा शिक्षकों को अब तक सम्मानित कर चुकी है। तो ये हमारा उद्देश्य है कि हम जो है शिक्षकों को सम्मानित कर उनके कार्यों के लिए उनको धन्यवाद करें। और इसलिए आज हम लोगों की कोर कमेटी की बैठक भी हुई और अलग अलग पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है जो मुख्य तौर पर यहाँ कार्यक्रम को देख रहे हैं। मेरे साथ प्रदेश के उपाध्यक्ष विपिन कुमार सिन्हा जी भी आए हैं हजारीबाग से।